मैं बहुत ही खुश हूँ। स्वच्छ भारत के लिए ये पहला हम लोग का कदम है। यहाँ हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत के लिए लगे पड़े हुए, उनका एक छोटा सा हिस्सा हम बनना चाहते हैं। इसके आगे भी हम लोगों के लिए बहुत सारा हर जगह जहाँ अच्छा उपलब्ध होगी वह हम लोग ऐसे ही शौचालय साफ सफाई अभियान चलाते रहेंगे। पिछले संडे को हमने वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम रायन स्कूल में रखा था स्वच्छ भारत के लिए, और मैं स्थापत्य समिति में भी ये क्वेश्चन उठा के कचरा हटाओ जीरो गार्बेज करना है, और अपने अपने सोसाइटी में सब लोगों को जहाँ स्लम में वहाँ अपने अपने घर में टॉयलेट बनाना है कि उसकी सुविधा और सपोर्ट हम लोग करेंगे। नगर सेवक लोग हमारे गवर्नमेंट ने 7,000 रुपया देने का वादा किया हुआ है, पहला 2,500 मिलेंगे और उस बाद में 5,000 मिलेंगे। बहुत लोगों ने फॉर्म भरे हुए, कई कारणों से फॉर्म लोगों तक पहुँचे नहीं है तो हम पहुँचाने के काम भी करेंगे। कई और कारणों से पास नहीं हुए उनका भी हम लोग, क्यों पास नहीं हुए उसका भी हम लोग सयानिशा कर रहे। हर एक चीज़ में हम लोग दखल अंदाजी अंदाजी करके हर चीज़ में हम लोग क्यों होता नहीं है, ऑफिसर क्यों नहीं कर रहे, और आगे ये सब पूरा स्वच्छता जितना करना होना चाहिए वार्ड में उसके लगे है, वार्ड ही नहीं इसके अलावा पूरा बॉम्बे के लिए में हर नगर सेवक हम लोग हाउस में भी क्वेश्चन करते कि हर एरिया में अपना अपना नगर सेवक ने काम करना चाहिए स्वच्छ भारत के लिए। शौचालय जो यूरिनरी का भी खड़ा रह के लोग करते, ऐसा यूरिनरी होना बहुत ज़रूरी है, और इससे आगे हम लोग बहुत अच्छा काम करके स्वच्छ भारत के लिए हमारे पंतप्रधान जी के लिए सहयोग करेंगे, और जो काम हमारे कार्यकर्ता और हम मिल के करके बहुत ज़्यादा अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट हाँ जी। गोपाल शेट्टी साहब बहुत ही खुश हो गए, उसे आशीर्वाद दे के गए और बोले ऐसे ही हर नगर सेवक ने कदम उठा के काम करना है, और बाकी खाली नगर सेवक नहीं है, आम लोग आम जनता उसने भी उसने योगदान दे के हर जगह पे जो यूनरी है, कई पार्किंग होता है, कई हॉकर से हर जगह पे बोल के गए हुए। हमारे बाजू में एक भुजाली तालाब है, हर साल गणपति विसर्जन होता है, वो भी हमने साफ करके दिया, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं हमेशा 3 घंटा स्कूटर लेके घूमती रहती है, मैंने डांटती रहती हर जगह पे। अभी कई जगह पे टॉयलेट भी रोड के ऊपर लोग करते, स्लम वाले टॉयलेट बांधने के बाद में हर स्कूल में जाते, टीचर लोगों को काम है बोलना, माँ बाप का बोलना काम है कि बाहर शौच नहीं करना चाहिए, शौच की वजह से गंदगी फैलती है और गंदगी वजह से बीमारी फैलती है। अभी यहाँ भुजाली तालाब 4 दिन हो गए, मैंने निर्माल्य के लिए बाहर कुंडी रखा हुआ, इतना क्लीन करके देने के बावजूद भी कई लोग जो उसका प्लास्टिक का बैग है उसके अंदर भर के थ्रो कर देते, वो होना नहीं चाहिए। सब लोगों ने अवेयरनेस करना चाहिए, हम बोर्ड लगाएंगे सब जगह पे, और हम खुद जो एनडी होते हैं उनको भी हम लोग बोलेंगे कि जा अपने एरिया में जाके देखते रहिए और उनको फाइन लगाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल में काम करके पूरा वार्ड का नक्शा चेंज करने का हमारा प्रण है। तेजिंदर सिंह टिवाना, सतनाम सिंह टिवाना, मेरे कार्यकर्ते सब जो मुझे सहयोग दे रहे उनका मैं आभारी हूँ। सब मिलके हम लोग आज एक स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया हुआ है, और पूरे 5 साल में हम बहुत ही अच्छा एक वार्ड का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने बताया स्वच्छता की बात की है आपने, तो लोगों को प्रधानमंत्री की बात की जाए या नगर सेवक की बात, सब अपनी तरीके से लगे हुए हैं अपने वार्ड को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन अगर वहाँ के जो नागरिक हैं उनको इतना बताने के बावजूद अगर वो स्वच्छ, तो आपको क्या लगता है लोगों को बताने की जरूरत है या फिर उन्हें भी आपका पूरा सहयोग करना पड़ेगा? मैडम, लोगों को बताने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे होते स्लम में कि सुबह उठते और चला जाते, उनके बच्चे लोगों को वो कभी बोलते ही नहीं है। कल एक स्कूटर लेके एक बच्चे के पीछे पड़ी थी मैं, टॉयलेट धोना भी उनको मालूम नहीं है, चड्डी ऊपर डाल के भाग गए वो बच्चे लोग, मैं स्कूटर पीछे भगाए, और वो एनडी भी डरते कि वो बोलते हैं भागते समय कहीं गाड़ी के नीचे आएंगे। तो हर माँ बाप का, मतलब गरीब हो अमीर हो, स्वच्छता के बारे में टीवी सबके घर में होता है। आज अमिताभ बच्चन जी एक एम्बेसडर बन के सब लोग बोलते जा रहे कि भाई शौच करने से कितने गंदगी फैलाने से कितना आप लोगों के बच्चों को नुकसान है, पानी जमा मत करिए। अच्छा, जो साफ पानी में कल हमने शालीमार बिल्डिंग जैसे एरिया में 4 जगह पे डेंगू और मलेरिया का, एक ही घर में से 4 पेशेंट है मलेरिया का। तो ये सब पढ़े लिखे लोगों को भी कई जगह पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो लोग अज्ञान है, जो लोगों को इतनी समझ नहीं है कि पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहते, ऐसे पेरेंट लोगों के बच्चे लोगों को हमारे जैसे सोशल समाज होता है जो हम छोड़ के और एंजॉय लोग होते हैं, उन्हें घर घर में जाके उसका प्रचार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। समझाने से
टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहती कि एक साल में मैं सब कुछ बराबर कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली 5 साल में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ में हमने सब लोगों को आह्वान करते हैं, हमने जो प्रोग्राम वेस्ट मैनेजमेंट किया उसके अंदर हमारे माधवी बुट्टा, ये जोली भाभी, ये मंगला जी और भी सभी लोगों ने बहुत, जो नारियल पीने का जो साइड बचा हुआ जो रहता है उसको हमारे में बोंडा बोलते हैं, जो उसके अंदर मट्टी भर के पेंट करके काफ़ी अभी भी लाए हुए 5 का है मालूम नहीं, वाह है। देखो आपको एक फ़ोटो लेने के लिए कोई जरा लाओ लाओ।